Hello, my beautiful friends. What's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों. आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कुछ everyday expressions, यानी कि अपनी daily life की conversation में जो हम expressions use कर सकते हैं या करते हैं, इन्हीं को आज हम सीखेंगे. ये बहुत ही कमाल के words या छोटे छोटे sentences हैं. इनको सीखने के बाद आपके लिए English में तरह तरह की बातों को express करना, तरह तरह की बातों को अभिव्यक्त करना बड़ा ही आसान हो जाएगा. तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको ध्यान से तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए. आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा एवरीडे एक्सप्रेशंस. एक एक करके सारे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपको बताता हूँ, ये कमाल के वर्ड्स हैं. पहला तो वर्ड है दोस्तों वाव. आप जानते हैं वाव कब बोलते हैं? जब भी आपको आश्चर्य मिश्रित मतलब अच्छी भी लग रही है चीज़ और आपको हैरानी भी हो रही है, तो हम बोलते हैं ना वाव वाव क्या बात है यार. तो इसका मीनिंग है. इसके बाद दोस्तों जी. जी का मीनिंग होता है, हम बोलते हैं ना अबे देख. जी मतलब होता है देखो, अबे देख. जैसे सी का मतलब मीनिंग देखना होता है, वैसे जी का भी मीनिंग देखना होता है. ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी आप पूरी दुनिया में इसको बोला जाता है, तो आप इसको कहीं पर भी बोल सकते हैं. जी जैसा बोलते हैं ना ओ लुक या सी, वैसा बोल सकते हैं ओ जी. उसके बाद दोस्तों होली काव, जैसे बोलते हैं ना हे भगवान. अब होली काव जो क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में जो उनकी जो होली बुक है द बाइबल, उसमें होली काव का जिक्र है. काव को एक होली एनिमल के रूप में ऐसे बताया, तो होली काव वहाँ से निकला टर्म होली काव. जैसे जब भी हैरानी होती है वाह क्या है होली काव, वैसे अच्छा उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है होली क्रैप. क्रैप का मीनिंग होता है कचरा, तो होली काव से बिगाड़ के लोगों ने इसको बनाया होली क्रैप. डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होता है, एकदम ही इनफॉर्मल इंग्लिश है. और होली क्रैप की जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं होली शिट, तो ये भी उसका बिगड़ा हुआ रूप है. नहीं तो होली स्मोक, ये वैसा ही है जैसे होली काव है, ये सही वाला रूप है होली स्मोक. यानी जब भी आपको हैरानी हो रही हो, आश्चर्य हो रहा हो, तो आप ये एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों जैसे बोलते हैं ना अबे सोच यार ऐसे कैसे हो सकता है, इमेजिन दैट कि यार कल्पना करो, तो हम ऐसे बोलते हैं अबे यार सोच यार ज़रा कैसे हुआ होगा, अबे सोच सोच यार ज़रा, उसका बोलेंगे इमेजिन दैट. अच्छा ये कैन यू बीट दैट, मान लेते हैं कि ये कब बोलना चाहिए, कैन यू बीट दैट, कैन यू बीट दैट कब बोलना चाहिए. अगर बहुत कोई हैरानी की बात है, जैसे आप बोल रहे हैं अबे यार पता है धोनी के पास ना 50 बाइक्स हैं, अबे यार सोच यार देख यार क्या तब आप यू नो महेंद्र सिंह धोनी हैज 50 बाइक्स, कैन यू बीट दैट. तो जब भी आपको इस तरीके से अपना आश्चर्य व्यक्त करना हो या हैरानी वाली बात बतानी हो, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कैन यू बीट दैट. या ये है दोस्तों ओ सन ऑफ अ गन, ये एक गाली एक तरीके से. तो जैसे कोई आदमी है उसे आप तंग आ गए चिढ़ गए और मुंह से गाली निकल जाती ना, जो हिंदी में भी गाली देते हैं वैसे होते हैं सन ऑफ अ गन. या सन ऑफ अ बिच, कि ख़राब है थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, हर किसी को नहीं बोल सकते, लड़ाई हो सकती है. तो सन ऑफ अ गन एंड सन ऑफ अ बिच ये गाली है, झुंझला के खींच के गुस्से में ये बोलते हैं सेंटेंस. तो सन ऑफ अ गन सन ऑफ अ बिच. उसके बाद दोस्तों कई बार जब हम बहुत वो होते हैं हैरान होते हैं, बोलते हैं ओ इजंट दैट समथिंग, अरे यार है ना कमाल की बात, है ना कमाल की बात यार, कोई बात बता के हम बोलते हैं अब दिखा यार है ना कमाल की बात, तो आप बोलते हो इजंट दैट समथिंग. या कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो हम बोलते हैं ओ ग्रेट वाओ ग्रेट. तो दोस्तों ये टर्म्स, दूसरे टर्म्स आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये ओ माय, जब आपको बहुत अच्छी चीज़ आपने कोई देखी, तो जैसे बहुत खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद ही बोलते ओ माय, ऐसे करके बोल सकते हैं आप. उसका दोस्तों माय गुडनेस, हे भगवान ही क्या है ये माय गुडनेस. जब भी कोई इस तरह की आपको बात पता चलेगी अरे यार ये क्या है यार ओ माय माय गुडनेस, नहीं तो इसी को आप ओ लगा के बोल सकते हैं ओ माय गुडनेस. या हेवंस, हेवंस हेवन माने होता है स्वर्ग, तो हेवन में एस लगा हुआ हेवंस, यानी हे भगवान का इसका सेंस है. जैसे बोलते हैं हे भगवान वैसा हो सकता है हेवंस. या ये भी बोल सकते हैं आप ओ गुड हेवंस, तो सिर्फ हेवंस या गुड हेवंस दोनों का सेम मीनिंग है. सिर्फ गुड लगाने से थोड़ा लंबा होता है सेंटेंस और थोड़ा सा वजन बढ़ता है सेंटेंस का, तो हेवंस या गुड हेवंस. अच्छा ये है दोस्तों फॉर हेवंस सेक, भगवान के लिए, हम बोलते हैं ना अरे यार भगवान के लिए चुप हो जाओ यार, फॉर हेवंस सेक प्लीज प्लीज स्टॉप टॉकिंग प्लीज कीप क्वाइट बोलते ना, तो ये बोल सकते फॉर हेवंस सेक. जब भी आप बोलना ओ भगवान के लिए, तो आप बोल सकते हैं फॉर हेवंस सेक. उसके बाद दोस्तों ओ गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस का भी वही मीनिंग है जो ओ माय गॉड का मीनिंग है ओ माय गॉड ओ गुड ग्रेशियस, समझते ना अरे यार ये क्या है हे भगवान ये सब क्या है, उस सेंस से बोल सकते हो गुड ग्रेशियस. नहीं तो ये बोल सकते हैं ओ गुडनेस ग्रेशियस,
गुडनेस ग्रेशियस, अरे यार ये वजह नहीं बोलते, ओ माई गॉड वैसे बोल सकते आप, गुड ग्रेशियस गुडनेस ग्रेशियस। उसके बाद दोस्तों ओ गॉड फॉरबिड, हम बोलते ना अरे भगवान न करे कि ऐसा हो, भगवान न करे को बोलेंगे गॉड फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन फॉरबिडिंग फॉरबिड्स, फॉरबिड एक वर्ब है, इसके पांचों फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। तो गॉड फॉरबिड का मतलब है भगवान न करे। उसके बाद दोस्तों माय गॉड, हम जानते तुम बचपन से बोलते आ रहे माय गॉड ओ माय गॉड या ओ माय गॉड, तो सिर्फ माय गॉड या ओ माय गॉड दोनों ही बुलाया सकता है, नहीं तो एक्सीलेंट। किसी भी चीज को देखा आपने और आपको चीज बहुत अच्छी लगी तो आप सकते हैं एक्सीलेंट। दोस्तों ये टर्म्स डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, इनमें से जो भी आपके लिए नए थे, इनमें से बहुत आपको पहले से ही मालूम होंगे, जो भी आपके लिए नए थे आप उनको सीख सकते हैं, और इनमें से अगर आपने आधे के करीब याद कर लिया अलग अलग सिचुएशंस के तो आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में आपको हर जगह पर जहाँ पर भी ये सूट करते हो वहाँ इनको इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इनको यूज़ करेंगे, इन टर्म्स को, इन एक्सप्रेशंस को, और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको कमाल के वीडियोस बना के देता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ये वीडियोस, ये वाला वीडियो, पहले के वीडियोस, बाकी वीडियोस जो मेरे चैनल पे हैं उनको ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो वीडियो है मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स। उसी प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को डालने वाला हूँ। अगर आप इस तरह के और भी टॉपिक्स चाहते हैं, हालचाल कैसे पूछते हैं, टाइम कैसे पूछते हैं, थैंक यू कैसे बोलते हैं, अपनी राय कैसे देते हैं, माफ़ी कैसे मांगते हैं, अगर ये सब सीखना हो आपको, और ये बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश को सीखने वाली बात है, तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देखिए, टॉप क्लास की कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश आप सीख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना ही। वैसे मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, हर किसी को ग्रामर की पढ़ाई करनी चाहिए और हर किसी को वोकैबुलरी सीखनी चाहिए और अच्छी इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई बहुत ही कमाल के एक्सप्रेशंस बताने की कोशिश करूंगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा और आप बड़ी खूबसूरत और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं लोगों के साथ। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, और अगर मुझे लगे या कोई वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं उस पर आप उस टॉपिक पर आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव योर सपोर्ट योर काइंडनेस, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।